हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट इंडिया में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने शांति निकेतन का नाम तो सुना है, पर रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, आज हम द अल्टीमेट इंडिया में आपको बताएंगे शांति निकेतन के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। शांति निकेतन वेस्ट बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा टाउन है जो कि बोलपुर के पास पड़ता है। शांति निकेतन वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता से लगभग 212 किलोमीटर उत्तर की तरफ पड़ता है। शांति निकेतन बंगाल की शान रविंद्रनाथ टैगोर की सोच है, जो कि शांति निकेतन को एक यूनिवर्सिटी टाउन बनाना चाहते थे और उन्होंने बनाया भी, जिसकी वजह से यहाँ पे हर साल हजारों की संख्या में लोग आते हैं। 1862 में यहाँ से रविंद्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर गुजर रहे थे। उन्होंने यहाँ की लाल मिट्टी और कई सारे खेत देखे, तो उन्होंने फैसला किया कि वो यहाँ पे घर बनाएंगे और यहाँ पे कई सारे पेड़ उगाएंगे। ये जगह बहुत ही शांत थी, तो महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने इस जगह का नाम शांति निकेतन रखा। इससे पहले इस जगह को भुवन डांगा बोला जाता था। 1863 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पे एक आश्रम बनाया जहाँ पे ब्रह्मो समाज का कामकाज होने लगा। 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पे एक स्कूल बनाया जिसका नाम था ब्रह्मचर्य आश्रम। ये स्कूल प्राचीन गुरुकुल सिस्टम के तहत चलता था। रविंद्रनाथ टैगोर ने जब नोबेल प्राइज जीता तो उनके नोबेल प्राइज जीतने से सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि शांति निकेतन की भी प्रतिष्ठा बढ़ गई और नोबेल प्राइज में जीते सारे पैसे उन्होंने शांति निकेतन में लगा दिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने उस छोटे से स्कूल को एक यूनिवर्सिटी में बदल दिया और उसका नाम रखा विश्व भारती। अब दोस्तों जानते हैं कि शांति निकेतन के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। शांति निकेतन में सबसे पहले आपको उत्तरायण कॉम्प्लेक्स मिलेगा। उत्तरायण कॉम्प्लेक्स में रविंद्रनाथ टैगोर रहा करते थे और वो कई सारी बिल्डिंगों को मिला के बनाया गया है, जैसे कि उदयाना, कोणार्क, शामिली, पुनश्चा और उड़ीची। उत्तरायना कॉम्प्लेक्स रविंद्रनाथ टैगोर के बेटे रतींद्रनाथ टैगोर का आर्किटेक्चरल जीनियस दर्शाता है। उत्तरायना कॉम्प्लेक्स में ही आपको रविंद्र आश्रम मिलेगा। रविंद्र आश्रम वही जगह है जहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर रहा करते थे और देवेंद्रनाथ टैगोर ने अपना पहला घर वहीं पे बनाया था और उसका नाम दिया था शांति निकेतन। इस जगह को घूमने के लिए आप या तो गाइड ले सकते हैं, वहाँ पे गाइड इजीली अवेलेबल है, या फिर आप खुद भी ये जगह घूम सकते हैं। इसके बाद आप वहाँ से कला भवन भी जा सकते हैं। कला भवन शांति निकेतन का फाइन आर्ट्स में एजुकेशन एंड रिसर्च विंग है। ये 1919 में बनाया गया था। उसके बाद फिर वहाँ से आता है चट्टिम तला। चट्टिम तला रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था मेडिटेशन के लिए। उनका मानना था कि मेडिटेशन के जरिए ही आप दुनिया को जान सकते हैं और मेडिटेशन ही सक्सेस की चाबी है। शांति निकेतन का पौष मेला भी बहुत फेमस है। पौष मेला में पूरे ऑल ओवर इंडिया से शिल्पकार और आर्टिस्ट हिस्सा लेने आते हैं। इस दौरान यहाँ पे फोक डांसेस, म्यूजिक, खाना और कल्चर को दर्शाया जाता है। इसके बाद शांति निकेतन से करीब 3 किलोमीटर दूर बल्लभपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ता है, जिसको कि डियर पार्क भी बोला जाता है। आप वहाँ पे जाके भी नेचर का मजा ले सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से शांति निकेतन जाना चाहते हैं तो आपको पहले कोलकाता के एयरपोर्ट में उतरना पड़ेगा, फिर आपको कोलकाता से बाय रोड जाना पड़ेगा। कोलकाता से शांति निकेतन की दूरी 212 किलोमीटर की है। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो आपको हावड़ा या सियालदह स्टेशन से ट्रेन पकड़ना पड़ेगा और आपको बोलपुर स्टेशन उतरना पड़ेगा। वहां से शांति निकेतन करीब करीब 2 किलोमीटर का है। तो दोस्तों, इंडिया के और ऐसे इंटरेस्टिंग जगहों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें इस वीडियो को और कमेंट करें इस वीडियो पे। जय हिंद दोस्तों।